दोस्तों तुर्की से आई इस वीडियो में मस्जिद के अंदर जो हुआ वो आपको हैरान कर देगा। ये वीडियो तुर्की की आया सोफिया मस्जिद का है, इसमें आगे जो हुआ इस पूरी वीडियो में देखिए। तुर्की में जलजले के बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगी। मस्जिद में एक तरफ इमाम साहब खुतबा दे रहे थे जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग मस्जिद का तकद्दस पामाल कर रहे थे। मुल्की और गैर मुस्लिम खवातीन आधे बरहना लिबास में यहाँ मौजूद है और सेल्फी बना रहे हैं। ये वीडियो देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये मस्जिद नहीं बल्कि कोई तफरी का मकाम है। दोस्तों दुनिया भर से लोग तुर्की की इस मस्जिद को देखने के लिए यहां आते हैं, लेकिन बहुत ही अफसोस की बात ये है कि मस्जिद में आने वाले इसके तकद्दस को पामाल कर रहे हैं। मस्जिद आए घूमने वालों के कपड़े भी पूरे नहीं है और आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये लोग किस तरह से मस्जिद में लेटे हुए है, और कुछ मनाजिर तो इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाले है। जैसे की इस जोड़े को देखिए, ऐसे लेटे हुए है जैसे की ये कोई पार्क हो। माना की ये सब लोग मुसलमान नहीं है, मगर दोस्तों गैर मुस्लिमों को भी इस तरह मस्जिद का तकद्दस पामाल करने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक तरफ लोग नमाज अदा कर रहे हैं, मगर वहीं दूसरी तरफ ये लोग बेहुदा लिबास में लेटे हुए हैं। मस्जिद में इस तरह के मनाजिर होना इंतहाई अफसोसनाक है। तुर्की हुकूमत को इस पर कानून बनाना चाहिए ताकि गैर मुल्की मस्जिद की हुरमत को पामाल न कर सके। दोस्तों आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें।